हे गाइस वेलकम। सो जैसा आपने देखा येस्टरडे 7 नवंबर मामू अर्थ यानी होनासा कंज्यूमर की लिस्टिंग हो गई। एंड लिस्टिंग मतलब मेरे को लगता है 325 का कुछ प्री आईपीओ भाव था और लिस्टिंग 330-32 पे हुई है। फिर वो 340 तक गया तो सब लोग शोर मचाने लगे कि देखो 4% ऊपर गया। अब हकीकत ये है कि रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बिल्कुल है ही नहीं। थैंकफुली रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। मोस्ट थोड़े बहुत लोगों ने किया है फ्रॉम रिटेल साइड। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन इज़ फ्रॉम FIIs। बहुत सारे पुराने जो वेंचर कैपिटल फंड्स है जो ये इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग देते हैं ये मोस्टली US बेस्ड होते हैं या ऑफशोर फंड्स होते हैं और इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा हार्डली मतलब जब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी। यानी आप समझ लो 5-10 रुपये पे जब इसकी वैल्यूएशन थी स्टार्टिंग में जब ये लिस्टेड भी नहीं थी बिजनेस नहीं था। तो अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो आप समझते हो कि वो वैल्यूएशन पे जिन्होंने निवेश किया वो फॉरेन फंड्स थे और इंडिया में शिल्पा शेट्टी जैसे लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा कमा के निकल गई। नाउ कल मीडिया में न्यूज़ चल रही थी कि शिल्पा शेट्टी ने 45 करोड़ कमाए। वो तो ऑब्वियसली कमाए होंगे, ये तो बच्चों का कोई मतलब दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस भाई। जिस लेडी ने मामू अर्थ की ब्रांड एम्बेसडर बनी उसके बाद शी इन्वेस्टेड ऑब्वियसली, तो वो तो दोनों तरफ से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तो शिल्पा शेट्टी निकली है मेरे ख्याल से। अगर बेंजामिन ग्राहम जिंदा होते, बेंजामिन ग्राहम ही है ना वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक जिन्होंने लिखी है, वॉरेन बफेट के गुरु, अगर वो शायद होंगे, गॉड ब्लेस हिम, अगर वो होते अभी इस वक्त एक्टिव तो वो शायद इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस ये हमारी ग्रेट इन्वेस्टर के नाम पर लिख लेते। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई लाइक द नेम मामू अर्थ, वैसे वो मामा अर्थ है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मामू अर्थ थोड़ा ज़्यादा क्यूट लगता है। बच्चों के ही प्रोडक्ट बनाती है ना कंपनी, भाई प्रॉफिट में नहीं है और बाकी वीडियोस तो आप देख ही चुके हो, मैंने डाला हुआ है। मुझे अच्छा लगा रिटेल इन्वेस्टर इस तरह की कंपनी से फ़िलहाल दूर हैं। और बाय द वे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें अपना हाथ नहीं डाला है। सो अगर आप होनासा का शेयर प्राइस देख रहे हो, होनासा का फुल फॉर्म पता है क्या है, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, ऑनेस्ट नेचुरल सेफ, हो ना सा है ना, तो टू गुड टू बी ट्रू वाली स्टोरी है। देखो अभी ये 330 से कहाँ जाता है। हमने तो देखे हैं इस तरह के बहुत साल से ऐसे कंपनीज जो लिस्ट होती है जिसने 5-10 रुपये पे लिया लाइक शिल्पा शेट्टी जी या कोई और, वो तो 300 रुपये पे निकल के पैसे छाप के चला गया। तो उनके लिए ये आईपीओ होता है उन एंकर इन्वेस्टर्स और FIIs को एग्ज़िट देने के लिए। अब आप देखोगे आस्ते आस्ते जैसे जैसे वो FIIs एग्ज़िट कर जाएंगे तो आप देखो ये स्टॉक क्या भाव पे नीचे कितना गिर सकता है क्योंकि ये बहुत ओवर वैल्यूड है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो भी ऊपर नीचे मूवमेंट इस स्टॉक में हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ वो विदेशी या फॉरेन पैसे से हो रही है जो एग्ज़िट करने के मौके तलाश रहे हैं अभी भी। और जिन्होंने लिया होगा लिस्टिंग पे वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी, अगर ओपन मार्केट से भी लिया तो वो बेचने के ही मौके देख रहे हैं। तो अब आप देखो इंटरेस्टिंग होगा ये स्टॉक को देखना। एंड इसी तरह से हमेशा सुलझे हुए डिसीजंस लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज कीप प्रॉफिटिंग गाइज़।